रखे। जनाब अली रियाज मलिक साहब, सीईओ बहरिया टाउन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरी तरफ से और चेयरमैन मलिक रियाज साहब की तरफ से आप सबको सलाम। और मैं इस वक्त बड़ा मिस कर रहा हूँ, मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मैं उड़ के किसी तरह वहां आ जाऊं आप लोगों के पास, मगर इंशाल्लाह दो चार दिन में मैं पाकिस्तान में आऊंगा। एडमिरल साहब का, एडमिरल साहब की पूरी टीम का मैं बहुत ज्यादा मशकूर हूँ कि मेरी गैर मौजूदगी में बिल्कुल माशाल्लाह बहरिया टाउन अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर चल रहा है और इंशाल्लाह ये चलेगा। आप लोगों का मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ 5 मिनट लूंगा, कुछ दिल की गल्लां कर लांगे। मुझे आज भी याद है कि 27 जनवरी 2014 को जब मलिक साहब ने बहरिया टाउन कराची शुरू किया और 8 फरवरी 2014 को हमने इसकी बुकिंग बंद की, तो रिस्पांस आप सबको पता है, आप लोग सब वहां थे, मैं भी था, और जिस तरह का रिस्पांस आया हमें, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र। और जब मैं पहली दफा कराची आया तो 13 मई 2014 को मैं कराची आया तो एडमिरल हयात साहब ने मुझे गेट हाउस के पास 4 कंटेनर और 12 कुर्सियां लगी हुई थी और अल्लाह पाक ने वहां से हाथ हमारा पकड़ा और आज आपके सामने है कि ये एक नया शहर अल्लाह ने अपने कर्म से, हम लोगों ने मेहनत की, अल्लाह ने कर्म किया और हम लोगों ने ये आज डिलीवर किया। आज आप लोगों को जिसलिए बुलाया गया है वो शायद बहरिया का दिल है, शायद बहरिया की जान है, शायद अली रियाज है, शायद मलिक रियाज है, शायद बहरिया की बैकबोन है। आज आपको जिसलिए बुलाया गया है, आपको इंशाल्लाह कल 3 बजे शाहिद कुरैशी बहरिया टाउन 2 विजिट कराएगा और ये पहली दफा है जितना मैंने देखा है, जितना काम मैंने किया है, कि बहरिया टाउन विल बी अ न्यू ट्रेंड सेटर जो अब बना के डिलीवर कर रहा है, बना के अनाउंस कर रहा है। हम इस वक्त तक 40% काम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर चुके हैं। आप कल जाएंगे तो आपको यही माहौल लगेगा, यही माहौल नजर आएगा जहां आप आज बैठे हुए हैं। लाइटें जल रही हैं, पार्क बन गए हैं, स्कूल, मस्जिद, हॉस्पिटल अंडर कंस्ट्रक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर 40-45% कंप्लीटेड है। कल शायद आपको इंशाल्लाह 3 बजे वहां पे लेके जाएगा और बहुत अरसे बाद हम लोग कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। मेरे से ज्यादा ये प्रोजेक्ट आप लोगों का है, मेरा नहीं है ये, न मलिक रियाज का नहीं है, ये शायद कुरैशी का नहीं है, ये आप लोगों का है, हम सिर्फ कस्टोडियन है। आप लोगों ने इसको कामयाब करना है, आप लोगों ने इसको अपना समझ के काम करना है, आप लोगों ने इसको पहले से बेहतर करके दिखाना है। मेरी आप लोगों से सिर्फ ये गुजारिश है कि इसको अपना समझ के करना। आप लोग इसको ये ना समझना कि ये है वो है, इसको ये बहरिया आप लोगों का है, मेरे से ज्यादा, मलिक साहब से ज्यादा, शाहिद से ज्यादा, ये आप लोगों का बहरिया टाउन है, तो इसको कामयाब भी आप लोगों ने करना है। इकतीस तारीख को हम वहां पे एक फायरवर्क्स करेंगे, गैदरिंग होगी और जितना शाहिद साहब ने कहा कि 5 जनवरी 2023 को हम इसको लॉन्च करने जा, जिसमें 10 गज की 1000 गज प्लॉट के साथ पर 3 बेडरूम विलास 4 साल की साथ पर 125 और 250 गज के कमर्शियल प्लॉट्स 4 साल की किसान एक साथ पे दिए जाएंगे। और इसके लिए शायद ने एक सरप्राइज की बात की है जो ये इंशाल्लाह कल आपको साइट पे 3 बजे आपको वहां पे डिस्क्लोज करेगा, जो सरप्राइज शायद ने आपको देना है। मेरी आखिर में आप लोगों से गुजारिश है और आखिर में सिर्फ मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, बहरिया टाउन वर्सेस बहरिया टाउन, बहरिया टाउन का किसी से कोई मुकाबला नहीं है, बहरिया टाउन का मुकाबला बहरिया टाउन से, हमारा रोज का मुकाबला अपने साथ है। और जितना काम हमने किया है इंशाल्लाह, मेरे अल्लाह ने किया तो इससे ज्यादा आपको करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। जिस तरह शाहिद ने कहा है लीज, इसमें बिल्कुल हम लीज की इजाजत देंगे, आप लोग लीज इसमें अवेलेबल होगी। और आपको पता है 2014 से लेके 2022 तक बहरिया टाउन किन किन मुश्किलात से गुजरा है,
मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा कि जो भी मुश्किलात हुई जिससे हम गुजरे, आप लोग सब वाकिफ हैं उसे, मगर आज भी जो भी लायबिलिटी बैरिया की है वो मेरी है और 2023 जून तक इंशाल्लाह हम वो सारी लायबिलिटी क्लियर करेंगे जो हमारी रह गई है जिस वजह से भी वो हुई थी। 2023 तक इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम पूरी लायबिलिटी अपनी क्लियर करेंगे। तो आखिर में बस मैं आपसे कहूंगा कि हम सब ने मिलके काम करना है। ये बैरिया हमारा घर है, ये मेरा घर नहीं है, शाहिद का नहीं है, मलिक साहब का नहीं है, ये हम लोगों का घर है। मेरे से ज्यादा बैरिया टाउन आप लोगों का है और इंशाल्लाह हम सब मिलके इसको कामयाब। शाहिद बात की कि जो गलतियां हमने यहां की हैं वो बैरिया टाउन से बेहतर होगा, बिल्कुल होगा, मगर बैरिया मेरे लिए बैरिया ही है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप अपनी इवनिंग एंजॉय करें, खाना खाएं और इंशाल्लाह अल्लाह हम सबको कामयाब करेगा इंशाल्लाह। शाहिद आप कुछ कहना चाहोगे? बस सर मैं यही कहना चाहूंगा इन सब लोगों से कि इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जिस तरह हमने एक ट्रेंड सेट किया है इंशाल्लाह इसी ट्रेंड को बरकरार रखेंगे और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह बीटीके 2 जो होगा वो खुद एक ट्रेंड सेटर होगा और आप लोगों के जो तावन है वो हमेशा से हमने आप तावन आपका हमारे साथ रहा और इंशाल्लाह ताला इसी तरह जारी सारी रहेगा और सब हम एक टीम है और ये हम साबित करके दिखाएंगे कि हम एक बेस्ट टीम है रियल स्टेट के। थैंक यू। अब मैं हामिद जफर साहब को